आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो कि हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इन एग्जाम्पल को बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं फोर प्रॉब्लम बताऊंगा जिससे कि आप इनर टर्म किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं उसका आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम एडवांस तक पहुंचेंगे हमको और भी अच्छा से यह समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में जो हमारी सीरीज है उसका इनर टर्म क्या होगा। चलिए पहले तो हम यहाँ पे बेसिक टर्म हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो उनको हमें केवल फाइंड आउट करना है जो वहाँ पे पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमसे पूछा गया है फर्स्ट, सॉरी, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सिक्वेंस गिवन बाय, ठीक है, ए एन, यानी कि आपका एक सीक्वेंस है उसके इक्वल में लिखा है 1/6 2n-3 एंड ऑप्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। देखिए हमें इसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की सीरीज फाइंड आउट करनी है एंड हमें फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। और फर्स्ट फोर्थ टर्म का मतलब है कि वन से आपको स्टार्टिंग करनी है और फोर्थ टाइम तक ये चलाना है। यानी कि मैं बहुत जल्दी से सॉल्व आउट करता हूँ फटाफट से। हमारे पास गिवन क्या है, सिक्वेंस ए एन इक्वल में 1/6 एंड 2n-3, ये आपका सीक्वेंस बेटा क्या है, गिवन, ठीक है, सीक्वेंस आपका गिवन है। देन आपको अब क्या करना है, ये पूछा है फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो आपको पुटिंग कर देनी है। पुटिंग आपके क्या है बेटा, ए एन इक्वल में, सॉरी एन ओनली, ओके, एन 1, 2, 3 एंड 4 किसमें, इसमें पुटअप करनी है ये, ठीक है। देन आप चलिए फिर निकालते हैं, हम ए एन वन के लिए निकालते हैं यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो 1/6 2 × 1 - में आपका 3, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 2 एंड 3 यानी कि 1, ओके, 1/6, सॉरी 1/6, ओके 1, ओके। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे हटा दीजिए, देन आप इसे माइनस के 1/6 कर दीजिए, माइनस के 1/6। आप सेकंड निकालिए, देन 1/6, देन आपका 2 × 2 - 3, ओके। देन आप इसे जब फाइंड आउट करोगे तो 1/6, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 4, 3 यानी कि 1, तो आपका 1/6 ही रह जाएगा ये ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 × 2 आपका 4 होता है, 4 में से 3 यानी कि 1 बचता है। देन 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1/6 में, देन आपका कितना हो जाएगा 1/6। सो ए 3 इसी प्रकार निकालिए, 1/6 इक्वल टू, सॉरी 1/6 देन 2 × 3, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपकी 3 n, देन आपका 3, ओके, 6 यानी कि 3 यानी कि 1/6 × में आपका 3, तो आपका गैस कितना हो गया, ये 1/2, ओके, क्यों, क्योंकि 3 से 1 टाइम गया 3 एंड 6 2 टाइम, ओके। इसी प्रकार ए 4 निकाल लीजिए आप, 1/6 1 2 × 4 एंड 3, तो आपका ये कितना हो गया 8, 1/6 देन 8, ओके, 8 - 3 यानी कि 5 × में आपका 5 आ गया, देन 5/6, 5/6, तो आपका आंसर निकल चुका है, ओके गाइस। तो हमसे यही पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ओके, तो आप इक्वल में करके इनको लिख लीजिए। अब चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, ओके। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन 1/(n)-1। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि फर्स्ट फिफ्थ टर्म निकालिए, यहाँ पे ओनली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप केवल फिफ्थ टर्म निकालिए, ठीक है। तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली हमें गिविन है ए एन इक्वल में आपका 1/n देन आपका n-1, यही गिवन है बेटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म पूछ रहा है यानी कि n इक्वल आपका 5 पूछ रहा है वो, ठीक है। तो n इक्वल इसमें आप बस पुट अप कर दीजिए इस वैल्यू को, देन आप a 5 करिए यहाँ पे, देन आप चाहे तो 1/n, ओके, सॉरी n नहीं, आपका यहाँ पे आएगा 5, ओके, और यहाँ पे आएगा आपका 4, क्यों, 5 - 1 यानी कि आपका 4, तो मैं 4 कर दूँ कोई दिक्कत, कोई नहीं, तो 1/ कितना हो जाएगा ये 625, ओके, आपका आंसर निकल आया, ठीक है। तो हमने ये तो सिंपली निकाल लिया है ना, अब यहाँ पे हम दो क्वेश्चन और निकालते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, चलिए आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आपको दो क्वेश्चन और बता दूंगा ये वाले, ओके।
तो गाइस उन दो क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो उससे करस्पॉन्डिंग सीरीज को बनाने से पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका एक सीक्वेंस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपका रिक्वायर्ड सिक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, ओके, 1/6 किसका माइनस में, देन आपका 1/6, देन आपका 1/2, देन आपका 5/6, यही है आपका सीक्वेंस, बिल्कुल ना जी। तो आपको अब इसमें रिक्वायर्ड सीरीज फाइंड आउट करनी है, सॉरी करस्पॉन्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी बेटा आपकी, तो बस कुछ नहीं, 1/6 देन प्लस 1/6, ये आपका माइनस है, देन आपका प्लस 1/2, देन आपका प्लस 5/6, हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसमें करस्पॉन्डिंग सीरीज थी ये हो गई, करस्पॉन्ड आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो था ये हो गया, दैट्स इनफ, ओके। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व आउट और करते हैं। तो गाइस आपको वो पिछले वाले दो क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे समझ में, अब थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 A2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, 1, यानी कि A1 और A2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, एंड An यानी कि सीक्वेंस हमें गिवन है An-1 An-2, लेकिन याद रहे n की जो वैल्यू होगी वो 2 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आप कहें कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, नहीं चलेगा, ओके, गलत हो जाएगा, आपका क्या होना चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, चलिए ठीक है। देन फाइंड करना है आपको An/An+1 फॉर n, हमें कितने टर्म के लिए फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4, जब आपके ये फोर टर्म होंगे तो इससे हमें अंदाजा है कि इसके हमें 5 टर्म तो निकालने ही होंगे, अब वो कैसे, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, देखिए फिबोनाची सीरीज हमेशा 1 1 करके इस तरीके से स्टार्ट होती है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए हम सॉल्व आउट करते हैं, फिर हमारी समझ में आ जाएगा फिबोनाची सीरीज है एक्चुअल में क्या। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन है हमें A1 बराबर 1 एंड A2 बराबर 1, देन हमें सीक्वेंस क्या गिवन है, हेयर थोड़ा छोटा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए An इक्वल में आपका क्या है बेटा, An-1 देन प्लस An-2। तो अब इसके हम फर्स्ट टर्म को ही निकालते हैं, ठीक है ना गाइस। सो A3 क्यों, क्योंकि देखिए हमें 1 तो दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब कि 1 एंड 2 दे रखा है, देन हम 3 से निकालेंगे, और वहाँ पे कंडीशन भी दे रखी थी कि n जो है आपका 2 के बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा है ना 3, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो n की वैल्यू 3-1 देन प्लस आपका 3-1 2 है यहाँ पे, ओके गाइस, ओके। तो आपका कितना होगा ये, ओके 1, तो ये हो गया आपका A2 देन प्लस A1। तो A2 और A1 आपकी क्या है बेटा, 1 1 है दोनों की वैल्यू, सॉरी ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, देन 1+1 इक्वल में आपका 2 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकला है हमारा, ठीक है जी। देन हमारा फोर्थ टर्म निकालेंगे, ओके, सो A4-1 प्लस A4-2 इक्वल में आपका आ गया A3 प्लस में आपका A2, यही आएगा ना, बिल्कुल। देन A3 की हमने अभी वैल्यू को देखा कितनी निकली हमारी, 2, देन आपको 2, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ नीचे, ओके गाइस, देन आपका 2 देन प्लस आपका A2 की वैल्यू कितनी निकली बेटा आपकी, A2 की भी हमारी बनी थी ऑलरेडी, दे रखी है 1, ठीक है, देन 1 इक्वल में आपका आ गया 3। देन आप A5 और निकाल लीजिए इसमें, देन A5-1 देन प्लस A5-2 देन आपका हो गया ये A4 देन प्लस में आपका A3। तो A4 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 3, ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, देन प्लस में आपका A3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ओके, A3 की वैल्यू 2, देन आपका ये आ गया 5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमारे हमें 5 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें 4 टर्म तक अपना
रेशियो में पावर निकालनी थी, यानी कि सिक्वेंस निकालना था। तो ए वन ए टू तो आपके दो टर्म, देन ए थ्री ए फोर ए फाइव, देन आपके फाइव टर्म टोटल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए एन अपॉन ए एन प्लस वन को, तो मैं इधर कर देता हूँ फिर बाद में रफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें गिविन है, ओके मैं इसे ब्लू से कर देता हूँ। फाइंड ए एन अपॉन में आपका है ए एन प्लस वन, किसके लिए करना है, फॉर एन इजकल टू वन टू थ्री फोर्थ टर्म के लिए। तो अब चलिए इसको भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए ए वन अपॉन ए वन प्लस वन इक्वल में आपका कितना हो गया, ए वन अपॉन ए टू हुआ। देन ए वन बराबर हमने कितनी वैल्यू निकाली थी बेटा, वन एंड वन, तो देखिए वन एंड वन हमें ऑलरेडी गिवन थी, देन ये क्या हो गया आपका वन, तो आपका ये फर्स्ट निकल आया, ठीक है। सेकेंड निकाल लेते हैं, तो ए टू अपॉन ए टू प्लस वन इक्वल में आपका आ गया ए टू, देन आपका ए थ्री, देन इक्वल में आपका कितना हो गया बेटा, ए टू की वैल्यू हमें पता है वन, देन थ्री की ए थ्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली टू, देन वन अपॉन टू, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है जी। इसी प्रकार हम निकालते हैं ए थ्री अपॉन में आपका ए थ्री प्लस वन इक्वल में आपका कितना हो गया, ए थ्री अपॉन में आपका हो गया ए फोर, देन ए थ्री की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा यहाँ पे, ए थ्री की वैल्यू टू, ओके। देन ए फोर की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे, ओके ए फोर की वैल्यू हमने थ्री, तो आपका थ्री टू अपॉन थ्री हो गया। अब रह क्या गया आपके, थर्ड टर्म निकला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड तक निकला है, देन आपका फोर रह गया, ठीक है। तो थर्ड तक निकाले, देन आपका फोर भी निकाल लेते हैं, ओके। देन आपका ए फोर अपॉन में ए फोर प्लस वन इक्वल में आपका ए फोर अपॉन के ए फाइव, देन आपका फोर कितना निकाला हमने, थ्री अपॉन में आपका फाइव, क्योंकि ए फाइव बराबर आपका फाइव है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया हमने फाइव टर्म यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि देखिए हमारे फोर्थ टर्म बनने हैं इस वाले सिक्वेंस के लिए, ठीक। तो हमारा ये हो गया यहीं पे फिनिश आउट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब देखिए फिबोनाची सीरीज होती क्या है आपको मैं बताऊँगा। इस देखिए आपका वन आया वन, देन आपका टू आया, सॉरी वन आया, फिर आपका टू आया, देन आपका थ्री आया, देन आपका फाइव आया, ठीक है। तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज है, ओके कोई दिक्कत, चलिए ओके। सीरीज में हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ओके। तो अब चलिए हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को और देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ओके। तो मैं इसे रफ कर दूँ, आप एक बार इसका नोट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करवा रहा है हमसे, फॉर द सिक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस के फाइव एन प्लस के टू, ये आपका प्रोग्रेशन दिया गया है, ठीक है ना गाइस, प्रोग्रेशन ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये आपका सिक्वेंस सिस्टम में काम कर रहा है। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन टर्म, यानी कि एन फॉर विच सिक्वेंस, यानी कि जिसका ये सिक्वेंस है, ठीक है, इज पॉजिटिव, यानी कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है किसकी, एन टर्म की, जहां पर आपका सिक्वेंस जो है वो पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, क्या निकलेगी इस सिक्वेंस के थ्रू, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक आइडिया दूं, देन आपके पास गिवन क्या है, ओके हमारे पास गिवन है, गिवन ए एन इक्वल में आपका एन स्क्वायर देन माइनस के फाइव एन देन प्लस के टू, देन हम यहाँ पे चलिए फर्स्ट रख के देख लेते हैं पहले। सो आपका ये वन का स्क्वायर वन ही होता है, देन माइनस, सो फाइव इंटू वन यानी कि फाइव ही होगा, सो प्लस अपॉन टू, देन जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओके टू सेवन यानी कि माइनस के सिक्स, ठीक है ना गाइस, ठीक है। सो ए टू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देन टू का स्क्वायर यानी कि आपका फोर, देन आपका माइनस, ओके सो फाइव इंटू टू यानी कि टेन, देन आपका प्लस के टू, तो आपका कितना हो गया सिक्स, यानी कि आपका ये हो गया टेन ट्वेल्व यानी कि सिक्स यानी कि माइनस के एट, ओके सो ए थ्री, ए थ्री यानी कि फोर, सॉरी सॉरी, देन थ्री का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका नाइन, देन माइनस के आपका फाइव इंटू थ्री यानी कि फिफ्टीन प्लस आपका टू, देन आपका ये कितना हो गया 15 टू 17 यानी कि आपका हो गया ये 7
माइनस में, ठीक है ना गाइस। ओके देन अब हम निकालते हैं ए फोर, ए फोर यानी कि आपका फोर का स्क्वायर कितना होता है 16, देन आपका माइनस, सो फाइव इंटू फोर यानी कि 20, 20 प्लस 2 यानी कि आपका ये बचा माइनस के 4, माइनस के 4 यानी कि 2, यानी कि माइनस के 2। ओके सो ए फाइव, देन ए फाइव जब हम निकालेंगे तो इसमें 5 का आपका होता है 25 स्क्वायर, देन आपका 5 5 25, देन आपका प्लस का 5, देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपका प्लस का 2। तो इससे आगे अब हमें बढ़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई और यहाँ पे बोल क्या रहा था हमसे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एनथ टर्म फॉर विच ए एन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सबसे पहली ऐसी छोटी वैल्यू है जो कि आपकी सिक्वेंस की पॉजिटिव में आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एन बराबर 5, ओके आपका आंसर करेक्ट है। हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, इनसे आपको एक आइडिया लगा होगा कि हमको क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व आउट करने हैं। देखिए गाइस मेरा काम था आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया देना जिससे कि आप अप्रोच कर सकें उन क्वेश्चन तक जिससे आप निकालना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इससे थोड़े टफ भी होंगे और थोड़े इजी भी होंगे, तो आप करें क्या, अपनी एक्सरसाइज को उठाएं, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज के सवाल निकालें, सॉल्व आउट करें, आंसर देखें सही है या नहीं, और नहीं है तो उस पर सर्कल करें, देन उनको फिर कुछ समय बाद सॉल्व आउट करें, देन आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कंसेप्ट भी अच्छा होता रहेगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक व शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना जिससे कि आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।